वेलकम फ्रेंड्स, इन दिस चैनल इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि फ्लूइड फ्लो का एनालिसिस वाई शेप पाइप के अंदर सीएफएक्स डिजाइन मॉडलर के हेल्प से एनसिस वर्कबेंच में किस तरीके से किया जाता है। यहां पर आपके सामने तीन फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर वन, फिगर टू एंड फिगर थ्री। फिगर वन सिंपल वाई शेप पाइप की ज्योमेट्री को शो कर रहा है, फिगर टू में इनलेट एंड आउटलेट को शो कर रहा है। यहाँ पर इस फिगर में एक इनलेट एंड दो आउटलेट को शो कर रहा है। इससे रिलेटेड पिछली वीडियो में डिस्कशन किया जा चुका है, जिसमें दो इनलेट एंड एक आउटलेट था, लेकिन यहाँ पर एक इनलेट दो आउटलेट है। फिगर थर्ड में वाटर का फ्लो किस तरीके से होगा उसको शो कर रहा है। इस वाई से पाइप का डायमेंशन इनलेट लेंथ इक्वल टू 120 mm, डायामीटर इक्वल टू 30 mm, फ्लूइड और वाटर स्पीड इक्वल टू 7 m/s। यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो होगा वो वाटर होगा। आउटलेट वन, यहाँ पर आउटलेट वन किसी को मान सकते हैं। सपोज आउटलेट वन ये वाला है, ऊपर की तरफ वाला, तो आउटलेट टू ये नीचे की तरफ वाला होगा। आउटलेट वन लेंथ इक्वल टू 100 mm, डायमीटर इक्वल टू 30 mm, आउटलेट टू लेंथ इक्वल टू 100 mm, डायमीटर इक्वल टू 30 mm। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वर्क बेंच में जाना होगा। वर्क बेंच ओपन है, यहाँ से सी एफ एक्स डिजाइन मॉडलर सेलेक्ट करना होगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस तरीके का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ज्योमेट्री पर राइट क्लिक कर ज्योमेट्री को ओपन करेंगे। डिजाइन मॉडलर ओपन हो चुका है, एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में लुकआउट पर क्लिक करना होगा, यूनिट्स को मिलीमीटर में रखेंगे। उसके बाद में स्केचिंग के अंदर में जाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगल बाय थ्री पॉइंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। उसके बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे, डायमेंशन वैल्यू। यहाँ लेंथ 120 mm होगा एंड ये रेडियस इसका 15 mm होगा, डाया 30 mm होगा। उसके बाद में रिवॉल्व का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे ज्योमेट्री वाले ऑप्शन में। उसके बाद में एक्सेस को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करना होगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में जनरेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये इनलेट वाला पार्ट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद में आउटलेट वाला पार्ट बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, न्यू स्केच पर क्लिक करेंगे, फिर से स्केचिंग के अंदर में जाना होगा, रेक्टेंगल बाय थ्री पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, इसका डायमेंशन वैल्यू पुट करेंगे, एंगल 30 रखेंगे और यहां से लेंथ एंड ये रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद में रिवॉल्व पर जाएंगे, रिवॉल्व पर जाने के बाद में ज्योमेट्री पर क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री में अप्लाई पर क्लिक करेंगे, एक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे, यहां पर ये वाला एक्सेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक आउटलेट बनकर तैयार हो गया है, दूसरा आउटलेट बनाएंगे। उसके लिए फिर से एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, न्यू स्केच पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्केचिंग के अंदर में जाना होगा, रेक्टेंगल बाय थ्री पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा, उसके बाद में इस रेक्टेंगल का डायमेंशन वैल्यू पुट करेंगे, हंड्रेड एंड 15। उसके बाद में एंगल का वैल्यू देंगे,
एंगल यहाँ पर 30 रखेंगे। उसके बाद में रिवाल्व पर क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री में अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में एक्सेस को सिलेक्ट करेंगे, फिर से अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में जनरेट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वाई शेप पाइप का ज्योमेट्री बनकर तैयार हो गया है, जिसमें एक इनलेट एंड दो आउटलेट है। उसके बाद में वर्कबेंच में जाना होगा, मेस पर क्लिक करेंगे और मेस को ओपन करेंगे। मेसिंग वाला ऑप्शन ओपन हो रहा है। मेसिंग ओपन हो चुका है। उसके बाद में मेस को सिलेक्ट करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा साइज को रिड्यूस कर लेंगे। मेस पर राइट क्लिक कर इंसर्ट के अंदर में जाकर साइजिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, एलिमेंट साइज 5 रखेंगे। उसके बाद में फिर से जनरेट पर क्लिक करेंगे। दोबारा ज्योमेट्री का मेसिंग हो चुका है। फेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इनलेट आउटलेट एंड वाल को डिफाइन करेंगे। ये इनलेट होगा, ये आउटलेट वन होगा, ये आउटलेट टू होगा, ये वाल होगा। यहां से ज्योमेट्री का इनलेट आउटलेट एंड वाल डिफाइन हो चुका है। उसके बाद में फिर से वर्कबेंच में जाना होगा, यहां से मेस को अपडेट करना होगा। मेस अपडेट हो चुका है। उसके बाद में सेटअप पर क्लिक करना होगा और उसके अंदर में जाना होगा। यहां पर सेटअप ओपन हो चुका है। डिफॉल्ट डोमेन पर राइट क्लिक कर इंसर्ट के अंदर में जाकर बाउंड्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ओके पर यहां पर बाउंड्री वन की जगह पर इनलेट लिखेंगे। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। बाउंड्री डिटेल्स के अंदर में जाकर स्पीड में नॉर्मल स्पीड में 7 रखेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये इनलेट वाला ऑप्शन ये डिफाइन हो चुका है। उसके बाद में फिर से डिफॉल्ट डोमेन के अंदर में जाकर इंसर्ट के अंदर में जाकर बाउंड्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आउटलेट वन लिखेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में बाउंड्री डिटेल्स के अंदर में जाकर रिलेटिव प्रेशर 0 रखेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करना होगा। फिर से डिफॉल्ट डोमेन के अंदर में जाकर इंसर्ट के अंदर में जाकर बाउंड्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आउटलेट 2 रखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे, बाउंड्री डिटेल्स में रिलेटिव प्रेशर 0 रखेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनलेट आउटलेट 1 एंड आउटलेट 2 डिफाइन हो चुका है। उसके बाद में फिर से इनलेट डिफॉल्ट डोमेन के अंदर में जाकर इंसर्ट के अंदर में बाउंड्री पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर वाल लिखेंगे। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। बाउंड्री डिटेल्स में यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करना होगा, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में मटेरियल्स के अंदर में जाएंगे, यहाँ वाटर पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद में मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिंपल अप्लाई पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में फिर से वर्कबेंच में जाना होगा। वर्कबेंच में जाने के बाद में सॉल्यूशन पर राइट क्लिक कर एडिट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट रन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा है। सॉल्यूशन सॉल्व हो चुका है, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में वर्कबेंच में जाएंगे, रिजल्ट पर राइट क्लिक कर एडिट पर क्लिक करेंगे। रिजल्ट ऑप्शन ओपन हो चुका है। ऊपर की तरफ स्ट्रीमलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम में इनलेट रखेंगे। उसके बाद में ये हैज आप पॉइंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 25 की जगह पर 200 कर लेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में कंटूर पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल में प्रेशर की जगह पर वेलोसिटी रखेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंटूर को हटा सकते हैं टिक वाले ऑप्शन को। इनलेट को सिलेक्ट कर लेंगे, आउटलेट वन को सिलेक्ट करेंगे एंड आउटलेट टू को सिलेक्ट करेंगे। वाल्व को यहाँ पर टिक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्ट्रीम लाइन वन को सिलेक्ट करेंगे, स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे। उसके बाद में ये प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लूइड या वाटर यहाँ से इनलेट हो रहा है और ये यहाँ पर ये जो दोनों आउटलेट वाला पार्ट है वहाँ से वाटर एग्जिट हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि वाटर या फ्लूइड फ्लो का एनालिसिस वाई से पाइप में एनसिस वर्कबेंच के हेल्प से किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।